ये तो आप जानते हैं कि भारत हर मुश्किल के वक्त पर दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला है, और जिस तरह भारत ने कोरोना के इस विकराल संकट में दुनिया की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, वो अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाता है। इतना सब हो जाने के बाद भी भारत को अब भी UNSC में स्थायी सीट पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, पर अभी के भारत के वैक्सीन मुहिम को देख दुनिया की नजरों में भारत एक मसीहा के रूप में सामने आया है, जिसने एक बार फिर UNSC में भारत की स्थायी सीट की दावेदारी को और मजबूत कर दिया है। दुनिया को वैक्सीन प्रदान करने के लिए हाल ही में यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के दिल खोल के तारीफ की है और कहा है कि भारत द्वारा जो कोरोना वैक्सीन का निर्माण और उसे दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य किया जा रहा है वो सराहनीय है। साथ ही साथ चीन को फटकार लगाते हुए ये भी कहा गया है कि उसे भारत से सीख लेनी चाहिए कि जहां चीन अपने द्वारा बनाई गई वैक्सीन को बेचने में लगा हुआ है, वहीं भारत द्वारा बनाई गई वैक्सीन को भारत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की मुहिम छेड़ बैठा है। वहीं इसी के साथ ही कई विदेशी और यूरोपीय अखबारों ने भारत के इस मुहिम की प्रशंसा की है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स मुख्य है। इस मुहिम द्वारा भारत ने अपना परचम बुलंद कर दिया है, और जो यूनाइटेड नेशन द्वारा महत्वपूर्ण शब्द कहे गए हैं वो इस प्रकार है कि भारत द्वारा किए जा रहे इस काम को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर भारत अपने पड़ोसियों को मेडिकल सप्लाई टीम, तकनीकी, वैक्सीन और आवश्यक दवाएं आदि उपलब्ध करवा रहा है। इसी संबंध में भारत ने अफ्रीकी देशों के लिए एक बड़ा और एक अहम फैसला लिया है। इसी फैसले के अंतर्गत भारत कोरोना की वैक्सीन के 1 करोड़ डोज अफ्रीकी मूल के देशों को पहुंचाएगा। इसी के साथ ही साथ हम आपको भारत की दरिया दिली के बारे में भी बताते चलें। भारत ने अब तक 9 देशों को कुल 55 लाख से अधिक खुराक उपहार में दे चुका है। उन देशों के नाम है भूटान, मालदीव, नेपाल, म्यांमार, मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका और बहरीन इनमें शामिल है। और इसी के साथ ही और भी कई देश हैं जिनको कोरोना वैक्सीन को भारत के द्वारा उपहार स्वरूप प्रदान किया जाएगा, जैसे कि ओमान को 1 लाख, कैरिकॉम को 5 लाख, निकारागुआ को 2 लाख और प्रशांत द्वीप राज्यों को 2 लाख COVID-19 के टीके को फ्री में दिया जाएगा। वहीं भारत दुनिया के बड़े टीका निर्माताओं में से एक है और दुनिया भर में 60% से अधिक वैक्सीन का निर्माण व आपूर्ति करने वाला अपना देश अब कोरोना वैक्सीन के हब में रूप में उभरा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वैक्सीन प्रदान करने के लिए भारत के पड़ोसी देश आज खुलकर भारत की तारीफ कर रहे हैं। ये सब देख के अब यही लगता है कि भारत को अब कोई नहीं रोक सकता है, और अब कोई भी देश कुछ भी कर ले, भारत अपने दम पर UNSC और NSG की सदस्यता हासिल कर ही दम लेगा।